राम राम जी, आज आप लोग का स्वागत है राजी का ढाबा .com में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ शादी पार्टी स्टाइल आलू कटहल की सब्जी। बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो हमारी रेसिपी से संबंधित कोई भी आपको सामग्री चाहिए तो मेरा वेबसाइट है राजी का ढाबा .com। मेरे वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से आप कोई भी सामग्री दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप कोई भी रेसिपी हमारा बनाते हैं तो फोटो जरूर हमें शेयर करें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। मेरा आईडी है राजा जी का ढाबा यूट्यूब। तो चलते हैं शादी पार्टी स्टाइल वाला आलू कटहल की सब्जी बनाने। राम राम जी, आज आप लोग का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। ढाबा स्टाइल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाजू में लगा बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसके ऊपर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। हमने 1 किलो कटहल लिया है और देखिए किस तरह से हमने इस तरह का काटा है। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर फ्राई करने में दिक्कत होता है, फिर कच्चा रह जाता है। तो आप मीडियम रखें ना, ज़्यादा पतला ना जामो, ज़्यादा मोटा। और यहीं पर हमने 2-3 आलू को छोटा छोटा काट दिया है ताकि भी फ्राई आसानी से हो जाए। और 10 मिनट पहले हम 100 ग्राम सोयाबीन को पानी में भिगो दिए थे। इसको भी पानी हम निचोड़ के और इसको भी फ्राई कर देंगे। ये दोनों चीज़ को और इसको, तीनों चीज़ को हम फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 4 टमाटर, 5 छोटा छोटा प्याज और 3 छोटा छोटा लहसुन के गांठे हैं और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा है। हम प्याज को बारीक बारीक काट देंगे, टमाटर को पीस देंगे और अदरक लहसुन का हम छील के पेस्ट बना देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कटहल को फ्राई करने। तो फ्राई करने के बाद हम मसाला क्या देंगे वो आपको हम दिखा दें। ये देखिए हमने मसाले में लिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्चा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च और यहीं पर हमने 1 बड़ा चम्मच लिया है गरम मसाला। अब हमने तड़के में लिया है 2 तेजपात के पत्ते, आधा छोटा चम्मच जीरा और 2-3 पिंच हींग। तो चलते हैं कटहल, आलू और सोयाबीन को फ्राई कर देने। ये देखिए हमने चूल्हा जला लिया और कढ़ाई रख दिया है, उसी में हम डाल देंगे 200 ग्राम सरसों का तेल। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है तो हम थोड़ा थोड़ा डाल डाल के इसको फ्राई कर देंगे। करीब हो गया है इसको फ्राई करते हुए और आपको हम दिखा रहे हैं देखिए किस तरह से ये फ्राई हो चुका है बिल्कुल। तो हम इसी तरह सारा कटहल को और आलू को फ्राई कर देंगे। ये देखिए इधर हमारा जब तक ये कटहल और आलू और सोयाबीन को हम फ्राई कर रहे हैं, जब तक हम दूसरा कढ़ाई ले लिए हैं और इसमें हम मसाला जब तक तैयार करते हैं यानी कि ग्रेवी तैयार कर देते हैं, तेहीं पे डालेंगे 100 ग्राम के करीब सरसों का तेल। तो यहाँ तेल गर्म हो गया है तो हम तड़का डाल देते हैं और यहीं पे हमने 2 हरी मिर्च फाड़ के दे दिया है तड़के में डालने के लिए। तड़का हमारा तड़क गया है तो हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। 3 मिनट करीब हो गया और हमने बारीक बारीक प्याज काट रखा था, इस वजह से 3 मिनट में ही हमारा प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी में हम टमाटर डाल देंगे, जो हमने 4 टमाटर दिया था उसी की ग्रेवी। और यहीं पे हम 2 चम्मच छोटा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और दोनों को हम प्यूरी को, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों को हम बढ़िया से पहले भून लेंगे
जो उन्हें मसाला दिया तो भी इसी में डाल देते हैं और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको बढ़िया से हम 5 मिनट भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला कितना बेहतरीन भून चुका है, बिल्कुल तेल छोड़ रहा है। इस तरह से आप मसाला भून लें। और इधर देखिए हमारा आलू, सोयाबीन और कटहल तीनों हमने फ्राई कर दिया है तो हम इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें से कोई एक सब्ज़ी छोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको अगर आलू नहीं डालना हो तो आलू नहीं डाल सकते हैं, आप अगर सोयाबीन नहीं डालना चाहते हैं सोयाबीन नहीं डाल सकते हैं, और इसी तरह से आप बनाए। इसको हम चला देते हैं। देखिए कितना हमारा लजीज सब्जी का मसाला भुना पड़ा है। अब आपको जिस हिसाब से खाना है उस हिसाब से आप खा सकते हैं, इसमें ज़्यादा पानी डाल के कम पानी डाल के। तो आप कटहल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको 5 मिनट और पका लें लो फ्लेम पे। फिर आपको हम दिखा रहे हैं पका के कि सब्जी हमारी शादी पार्टी वाला स्टाइल कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तभी हम इसको ढक देंगे और ढक के इसको 5 मिनट पका लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी एकदम लजीज बन के तैयार हो रही है और इसको आपको हम सर्व करके दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारी शादी पार्टी वाली कटहल, सोयाबीन और आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई है। पहले मैं आपको सर्व करके दिखाया था एकदम सूखी सब्जी, तो उसको हम पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें 1/2 लीटर पानी डाल के और इसको इस तरह का ग्रेवी वाली सब्जी बनाया है जिसको हम चावल के साथ खाएंगे। तो आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।